हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू तमर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं आज तमर एंड वी स्टडीज अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यस, इन द प्रीवियस वीडियोस वी सॉल्व सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, सो टुडे वी कंसीडर सम मोर क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स गो स्टार्ट सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ डे। यस, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इज हेयर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज का हमारा क्या है, व्हाट इज मीन बाय गिलेट इफेक्ट, गिव एन एग्जांपल। व्हाट डू मीन बाय गिलेट इफेक्ट? And give an example. Yes, Gillett effect का meaning होता है क्या होता है? Gillett का meaning chelation कौन से show करते हैं जो डाइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं, वो किलेट इफेक्ट शो करते हैं। यस, सो डाइडेंटेड एंड किलेट एटम्स जो होते हैं क्या करते हैं, जो डैटिव एटम्स होते हैं उसमें उनकी डेंटिसिटीज कंसिडर करते हैं। कोऑर्डिनेशन जो होता है क्या होता है, टू या मोर देन टू होता है वो क्या करता है, सेंट्रल मेटल आयन जो होता है एटम्स होता है उसके अकॉर्ड क्या होता है, साइक्लिक रिंग बना देता है। साइक्लिक रिंग बना के मॉलिक्यूल को क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है, फिक्स कर देता है। सो सच टाइप्स ऑफ इफेक्ट इज नॉन एज किलेट इफेक्ट। यस, सो लिगेंड्स हैविंग two or more densities are formed cyclic ring around central metal ion atom. By formation of a dative bond or coordination bond. And stabilize the coordination compound. कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कंसिडर कर सकते हैं। सो दिस साइक्लेशन रिंग का बनना, यही स्टेबलाइज करना, इसी को ही बोलते हैं किलेट इफेक्ट बोलते हैं। सो सच टाइप्स ऑफ इफेक्ट इज नॉन एज अ किलेट इफेक्ट। सच टाइप ऑफ लिगेंड्स आर नॉन एज किलेट लिगेंड एंड सच टाइप ऑफ इफेक्ट इज नॉन एज किलेट इफेक्ट। सच टाइप ऑफ इफेक्ट इज किलेट इफेक्ट। यस, एग्जाम्पल हम कंसिडर करें डाइडेंटिटी लिगेंड्स में, ऑक्सीडेटर होता है, इथाइल 1 टू डायमीन होता है, एडीटी होते हैं, ये सभी किलेट इफेक्ट एग्जाम्पल शो करते हैं। एग्जाम्पल्स हम कंसिडर करते हैं इथाइल 1 टू डायमीन, शॉर्टली इसको अपन कंसिडर करते हैं, ई एन कंसिडर करते हैं, ऑक्सीलेटो है, है।
यस C2O4 टू माइनस ये लिगेंड्स होते हैं, EGT वगैरह ये सभी क्या करते हैं, डाई पॉलीडेंट लिगेंड्स होते हैं, यही किलेट इफेक्ट शो करते हैं। यस इसके स्ट्रक्चर को अपन ड्रॉ करना अपन चाहें तो कोई भी लिगेंड कंसिडर करें, सच एस हम कंसिडर करें इसको FE EN होल ट्वाइस CN2, ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स दे रखा है। यस इसको अपन कंसिडर करें, इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, हमें क्या है कि एग्जाम्पल लेके कंसिडर करना है। यस तो यहाँ पे EN जो इथाइल डायमिन जो है इसकी जो सेंट्रल मेटल एटम क्या है FE, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है 6 है, इसके किस फॉर्म में कैसे क्रिएट करता है, दिस इज EN, दिस इज EN एंड CL, CL ये डायटिक बॉन्ड बना रहा है। यस ये जो इफेक्ट होता है इसका क्या कर रहा है, किलेट इफेक्ट है, बिकॉज यहाँ पे EMA2 ये साइक्लिक रिंग बना रहे हैं इसके अलावा, सो दिस इज अ किलेट इफेक्ट। यस किलेट वाले जो कंपाउंड्स होते हैं कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स होते हैं, ऐसे कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स एक वो उसमें क्या होता है मोनोडेंटी लिगेंड्स होते हैं, दूसरे जो डाइडेंटी या पॉलीडेंटी लिगेंड्स होते हैं जो क्या करता है किलेशन करता है, तो किलेशन जो है क्या करता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स उसको क्या करता है स्टेबलाइज करता है। यस अब ये जो लिगेंड जो होते हैं मैथिल जो होते हैं फ्रीली रोटेट या मूव नहीं कर सकते हैं बिकॉज इसमें क्या होता है किलेशन की वजह से होता है। यस सो सच टाइप ऑफ इफेक्ट इज नॉन किलेट इफेक्ट, कौन शो करता है ये लगना है पॉलीडेंटेड या डाइडेंटेड लिगेंड्स ही कंसिडर करता है। यस जिनकी डेंटिसिटी टू मोर देन 2 होती है, दिस सच टाइप्स ऑफ लिगेंड्स आर फॉर्म साइक्लिक रिंग, दिस इज साइक्लिक रिंग। यस ये 2 डाइटिव ग्रुप बना रहा है, ये क्या कर रहा है साइक्लिक रिंग बना रहा है, साइक्लिक रिंग अराउंड द सेंटर मेटल एटम्स और आयंस। यस सो सच टाइप्स ऑफ इफेक्ट इज नॉन एज किलेट इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन What is meant by instability in the coordination compounds in solution? State the factors which govern stabilities of complexes. कॉम्प्लेक्सेस एंड कंपाउंड्स यस व्हाट इन स्टेबिलिटीज ऑफ अ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स उसकी स्टेबिलिटीज को फाइंड आउट करने के लिए इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं उसका स्टेबिलिटीज कांस्टेंट जो होता है या फिर स्टेबिलिटी कांस्टेंट कंसिडर करते हैं, आयनाइजेशन कांस्टेंट जो होता है उसको अपन कंसिडर करते हैं। यस इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको यही सॉल्व करना है क्या करना है, वी कंसिडर पर्टिकुलर टाइप्स का कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर रहे हैं क्या बना रहा है, एम प्लस एल कंबाइन होकर क्या बना रहा है ML4 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बन रहा है। यस इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट हमें फाइंड आउट करना है, आयनाइजेशन कांस्टेंट जो होता है उसको फाइंड आउट करना है, तो उसको अपन लेने के लिए क्या करते हैं उसके जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होते हैं स्टेबलाइज होते हैं उसको कंसिडर करते हैं, फॉर्म जो होता है कैसे होता है। यस इसके बारे में हम स्टडीज करेंगे, तो क्या मिलेगा ML4 जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है कैसे मिला।
यस, इफ यू कंसिडर फर्स्ट एम लिगेंड्स, एल यहाँ पे क्या कर रहा है, लिगेंड को रिप्रेजेंट करता है, एम एन का एल कंबाइन होकर क्या बन रहा है एम एन, और इसका अपन आयनेशन कॉन्स्टेंट कंसिडर करेंगे, क्या करेंगे के, यस इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट करते हैं, रेट कॉन्स्टेंट कंसिडर करते हैं, के वन करते हैं, दिस इक्वेशन इज वन। सेकेंड एम एल प्लस एल टू गिव्स एम एल टू, दिस इक्वेशन नंबर सेकेंड। एम एल टू प्लस एल गिव्स एम एल थ्री, इक्वेशन नंबर फोर। एम एल थ्री प्लस एल एल यहाँ पे क्या कर रहा है, लिगेंड कर रहा है, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म रहा है, इसके अकॉर्डिंग हम कंसिडर करते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर। यस नाउ के वन के टू एंड के थ्री जो है क्या है, के वन के टू के फोर जो है इसको बोलते हैं स्टेप बाय आयनेशन कॉन्स्टेंट, स्टेप बाय आयनेशन कॉन्स्टेंट, यस। अब स्टेबिलिटी के अपन कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं इसका ओवरऑल जो आयनेशन कॉन्स्टेंट उसको कंसिडर करते हैं, उसकी वैल्यू जो मिलेगी हमें क्या मिलेगी, वी कंसिडर बीटा, सो बीटा इज इक्वल टू के वन इंटू के टू इंटू के थ्री इंटू के फोर, यस। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हैव ग्रेटर वैल्यूज ऑफ बीटा, यस। बीटा जो होता है क्या होता है, ओवरऑल आयनेशन कॉन्स्टेंट जो होता है, यस ओवरऑल इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट कह सकते हैं, आयनेशन कॉन्स्टेंट कंसिडर करते हैं, इसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है, ग्रेटर वैल्यू ऑफ आयनेशन कॉन्स्टेंट बीटा, यस, तो मोर स्टेबल, तो स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है, यही इसकी होती है। कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड्स हैविंग मोर आयनेशन कॉन्स्टेंट, ग्रेटर वैल्यू जो होती है इसकी आयनेशन कॉन्स्टेंट की, डिस्पर्शन कॉन्स्टेंट की, वो क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं, स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन बीटा को कंसिडर करते हैं, सो बीटा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, और आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्पाउंड्स, यस, सो स्टेबिलिटीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीटा, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिसके लिए बीटा जो होता है ओवरऑल आयनेशन कॉन्स्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है ग्रेटर होती है, सच टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस आर मोर स्टेबल, यस। तो स्टेबिलिटी को कंसिडर करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी को कंसिडर करते हैं, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, अच्छा क्वेश्चन है, यस। मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स, मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स उसमें जो बॉन्डिंग होती है इसको एक्सप्लेन करना है, किस टाइप से बनती है, कैसे बनती है, यस। मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का एग्जांपल कंसिडर करते हैं, जिसमें क्या होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है किसके बीच में, बिटवीन मेटल एंड कार्बोनिल, कार्बोनिल कार्बन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड्स हैविंग
डायरेक्टिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है क्या होता है? मेटल कार्बोनिल बॉन्ड्स, दिस मेटल, दिस इज एसेटेड कार्बोनिल, यहाँ पे क्या है लिगेंड है, और इस कार्बोनिल में ऑनली कार्बन जो होता है क्या करता है, मेटल के साथ डायरेक्टिव बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन नहीं बनाएगा। इनी टाइप की सच टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर ओनली ओनली नॉन एज मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स। यस, हैव एन कार्बन एज ए डायरेक्टिव एटम। कार्बन जो होता है क्या होता है, डायरेक्टिव एटम्स होता है, दैट मीन्स कार्बन जो होता है डायरेक्टली मेटल के साथ अटैच होता है, मीन्स कार्बन ऑफ द कार्बोनेट लिगेंड्स इज अटैच टू मेटल मेटलाइज। यस, सच टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स आर नॉन एज मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स। इफ यू कंसिडर कुछ एग्जाम्पल कंसिडर कर एग्जाम्पल्स लाइक FeCO होल 5, NiCO होल 4। यस, इनके एग्जाम्पल है मेटल कार्बोनिल के। अब इसमें बॉन्डिंग कैसे बनती है, इसे आपको एक्सप्लेन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग कैसे कंसिडर करते हैं, इफ यू कंसिडर दिस इज अ मेटल एटम एंड दिस इज अ कार्बन एंड दिस ऑक्सीजन। वी नो कार्बन कंसिस्ट ऑफ पी ऑर्बिटल्स। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोजिशन करें तो क्या होता है, इसको आप समझिए, कार्बन इज इक्वल टू 2s2 2p 2, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोजिशन। यस, पी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यस, एंड पी ऑर्बिटल्स कर रहे हैं तो दिस इज पी ऑर्बिटल्स। मेटल जो होता है, मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होता है क्या होता है, वी नो डी ऑर्बिटल्स होते हैं मेटल के पास में, ये पी और डी ऑर्बिटल्स होते हैं, क्या बनाता है, हाइब्रिडेशन में काम आ रहा है, दैट मीन्स डायरेक्टिव बॉन्ड बना रहा है कार्बन के पास, और ये लिगेंड होते हैं क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रहा है, क्या कर रही है, डायरेक्टिव बॉन्ड बना रहा है। यस, दिस 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ पी ऑर्बिटल, सी पी ऑर्बिटल्स के 2 इलेक्ट्रॉन्स है, क्या कर रहा है, मेटल की जो डी एम डी ऑर्बिटल्स है इसमें ट्रांसफर कर रहा है, ये मेटल के जो पास में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यस, जब मेटल कार्बोनिल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, दिस इज अ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जिसको अपन कंसिडर करते हैं, ऑलवेज एन सिग्मा बॉन्ड होता है। यस, d ऑर्बिटल्स ऑफ अ मेटल एंड p ऑर्बिटल्स ऑफ द कार्बन्स आर ओवरलैप टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, दिस इज अ सिग्मा बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। यस, अब यहाँ पे क्या होता है, मेटल के साथ में कार्बोनिल ग्रुप्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं, तो कार्बोनिल क्या करते हैं, अपने लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन्स को मेटल में, मेटल की जो वैकेंट जो ऑर्बिटल्स होते हैं इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं। यस, तो मेटल के पास में d ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वी नो मेटल का जो यूजली कॉन्फिगरेशन जो होता है क्या होता है, Nd1-10 से लेके NS कंसिडर करते हैं, N-1d से, यस, NS1 R2 के फॉर्म में जो भी होता है, तो d के ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑलरेडी मेटल के पास, पहले भी इनिशियल में इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन क्या करता है, अपने और इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है, उस केस में मेटल जो है, मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो जाते हैं। यस, ये इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं क्या हो रहे हैं, क्या करेगा मेटल, बैक साइड से इसमें ट्रांसफर करेगा, किस में, दिस इज अ वैकेंट या एम्प्टी कहेंगे पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, और ये क्या है, डी ऑर्बिटल किसके, मेटल्स के, मेटल के डी ऑर्बिटल्स कैसे है, फुली डी ऑर्बिटल्स है या फेल डी ऑर्बिटल्स, यस। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा जो चार्ज होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है, उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, मेटल क्या कर रहा है, यहाँ से ट्रांसफर करेगा, क्या करेगा, ताकि अपने ऊपर जो चार्ज डेंसिटी को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज करें, अदरवाइज क्या होता है, बहुत सारे ये इलेक्ट्रॉन्स है, लिगेंड भी क्या करें, अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करें डी ऑर्बिटल्स में, डी ऑर्बिटल्स पहले से भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होता है, रिपल्शन की वजह से मेटल की जो या कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स उसकी स्टेबिलिटीज होती है, क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, तो ये एक्स्ट्रा जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ट्रांसफर करता है किस में, वैकेंट पी ऑर्बिटल्स में। ये जो बैक साइड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की वजह से इसको, ये जो बॉन्डिंग जो होती है इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग,
सच टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इज नोन एज बैक बॉन्डिंग या फिर इसको सिनर्जिक बॉन्ड बोलते हैं। यस, ये पाई बॉन्डिंग होती है। कौन सा ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन किस में ट्रांसफर हो रहे हैं, डी पाई से किस में हो रहा है, पी पाई। तो इसको अपन ये भी कह सकते हैं डी पाई पी पाई बॉन्ड। इसका मीनिंग क्या होता है, डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल क्या कर रहा है, पी में जा रहा है, और ये तो पाई बॉन्डिंग बना रहा है, बैक बॉन्ड बना रहा है, सिनर्जी क्या लैटरल ओवरलैपिंग जैसी हो रही है, और यहाँ पे कार्बनल जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है उसमें क्या करता है, ये ट्रांसफर हो रहा है, पी इलेक्ट्रॉन होते हैं ट्रांसफर हो रहे हैं डी में। और इस एक्स्ट्रा जो स्टेबिलिटीज होती है, एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको बैलेंस करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए क्या कर रहा है, डी इलेक्ट्रॉन्स बैक साइड से क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, पी की जो वैकेंट ग्लोब होती है, कार्बन के जो वैकेंट पी ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें क्या करता है, अपने एक्स्ट्रा जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको ट्रांसफर कर देता है। तो क्या होता है, एक तो डेटिव बॉन्ड बनता है, दूसरा क्या है, बैक बॉन्डिंग बनाता है। तो बैक बॉन्डिंग क्या करता है, सिनर्जिक बॉन्ड क्या करता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स उसको और स्टेबलाइज कर रहा है, दैट इज इसमें टू टाइप्स की बॉन्डिंग बनती है। यस, तो ये ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं सिनर्जिक बॉन्ड क्या होता है, बैक बॉन्डिंग क्या होती है। यस, पाई बॉन्डिंग डी पाई पी पाई बॉन्ड क्या होता है, बैक बॉन्डिंग या सिनर्जिक बॉन्ड। यस, ये आपको लाने का है, ये क्या होता है, मेटल कार्बोनिल इसमें बॉन्डिंग। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द आईपीसी नेम ऑफ नेम यस, कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, उसके में क्या करना है, आईपीसी नेम बताने हैं। तो यहाँ पे मैं साथ में लिख रहा हूँ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स उसका आईपीसी नेम, काफ़ी मैंने किए भी थे लेकिन दोबारा मैं और करा देता हूँ ताकि आपके जो है क्या मिलेगा। सबसे फर्स्ट काम हमारा जो होता है आईपीसी नेम बनाते हैं, किसका करते हैं, लिगेंड्स का नाम लिखते हैं, लिगेंड्स यहाँ पे क्या अमीन्स है, न्यूट्रल लिगेंड्स है, कोई चेंज नहीं करेंगे, कितने हैं, सिक्स है, सिक्स के क्या करेंगे, हेक्सामेंस। हेक्सामेन कोबाल्ट, कोबाल्टेट वगैरह नहीं लिखेंगे क्योंकि ओवरऑल उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लिगेंड्स को देखते बताते हैं, लिगेंड नेगेटिव है या फिर कोऑर्डिनेट स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव प्लस थ्री चार्ज है, क्या लिखेंगे, कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीजन स्टेट क्या है, यहाँ पे प्लस थ्री है, क्लोराइड, हेक्सामेन कोबाल्ट क्लोराइड। यस, ऑक्सीजन नंबर कैसे फाइंड करते हैं, आपको पहले से ही पता है, यूजली जो होता है लिगेंड्स होता है, लिगेंड्स का हाफ कर देते हैं या फिर हम एक्स का फॉर्मूला लेके अप्लाई करते हैं। सेकंड कंपाउंड्स, CONH3O4 Cl NO2 HCl। यस, लिगेंड से लिगेंड्स को अल्फाबेट के अकॉर्डिंग बताना है, जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसा है, हेटरोलेप्टिक है, दैट मीन्स मोर देन टू टाइप्स ऑफ लिगेंड्स है। यस, अल्फाबेट में जो पहले क्या रहा, अमीनो आ रहा है, कितने, फोर है, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा अमीनो। टेट्रा मीन्स नॉर्मल अमीनो, क्लोरीडो या क्लोराइडो, नाइट्रोसिल, क्या आएगा, कोबाल्ट।
ऑप्शन नंबर थ्री क्लोराइड। सी PtNH2 NH3 होल्डर, सॉरी Cl NH2 CH3 Cl। लेकिन इसका नाम बताना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या बनेगा, पहले जो है क्या है हमेशा कितने टू है तो क्या लिखेंगे डायमीन क्लोराइडो डायमीन क्लोराइडो। आईपीसी नंबर क्या है मिथैलामीन मिथैलामीन प्लेटिनम ऑक्सीजन नंबर थ्री टू सॉरी क्लोराइड। CO EN Hall थ्राइस प्लस थ्री, अच्छा नाम है, क्या लिखेंगे अब यहाँ पे लिगेंड जो कैसा है किलेट वाला लिगेंड है और इसमें क्या हो रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू जो हो रही है इथाइल 1,2 डायमीन का आ रहा है, दिस इज इथाइल 1,2 डायमीन है, कितने हैं 3 है, तो इस टाइप के लिगेंड्स है। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था बिस्ट्रेस टेट्रा के इसको यूज लेते हैं, तो यहाँ पे कितने लिगेंड्स है 3 है, तो हम क्या लेंगे 3 लिखेंगे 3 के लिए, सॉरी क्या लिखेंगे ट्रेस। यस ट्रेस ब्रैकेट में क्या करेंगे इसका नाम जो है क्या है इथाइल 1,2 डायमीन। यस इथाइल 1,2 डायमीन कोबाल्ट ऑक्सीजन नंबर क्या है 3 और उसके ऊपर और रोल क्या देखना 4 दे रखा तो क्या लिखेंगे आयन। यस NiCl ऑल फॉर -2 क्या आएगा क्लोराइडो कितने हैं 4 है तो क्या लिखेंगे टेट्रा क्लोराइडो। टेट्रा क्लोराइडो निकल है और कॉर्डिनेट एंटिटी पर नेगेटिव चार्ज है क्या लिखेंगे निकलेट। यस निकलेट ऑक्सीजन नंबर क्या है निकल का 2 आयन 4 भी है और आयन। NiCO all 4 क्या बनेगा C को क्या कंसिडर करते हैं कार्बनल कंसिडर करते हैं कितने हैं टेट्रा है 4 है टेट्रा कार्बनल निकल ऑक्सीजन नंबर क्या मिलेगी निकल की 0। यहाँ पे लिगेंड्स का हाफ नहीं करना ऑक्सीजन नंबर क्या करना चेयर करने हैं 0 करने हैं। कैसे ऑक्सीजन नंबर 0 करने हैं इसके ऊपर कोई चार्ज यस कोई चार्ज वगैरह नहीं है यहाँ पे निकल ऑक्सीजन नंबर 0 क्यों है 2 क्यों नहीं आ रहा है बिकॉज जिसका हमें फाइंड आउट करना है उसका अपन एक्स लेते हैं। यस कार्बोनिल ग्रुप है इसका ऑक्सीजन नंबर 0 होता है और कोई चार्ज नहीं इक्वल टू 0 है। यस यूजली मैंने आपको यही बताया था क्या होता है कि अगर आपको कुछ पता नहीं चला तो क्या करना है मेटल के ऊपर ऑक्सीजन नंबर होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स का हाफ करना है लेकिन ऑलवेज ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर क्या आ रही है 0 आ रही है एक्स निकल के मैं फाइंड करनी है तो ये मिलेगा। यस तो ये इसके क्या है कुछ एग्जाम्पल्स है इसके। यस नेक्स्ट क्वेश्चन
इससे पहले जो फर्स्ट वीडियो में हमने काफ़ी जो है नॉमिनिक्लेचर किए हैं, आईपीसी वगैरह फॉर्मूलेज बनाए हैं, नाम भी बनाए हैं, क्वेश्चन नंबर 5, प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन द स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर प्लानर पीटीसीएन ऑल फॉर माइनस टू आयंस। यस, हमें जो लिगेंड्स क्या दे रखा है, इसके स्ट्रक्चर जो है, लिगेंड जो क्या है, सी एन है, इस टाइप की लिगेंड है, और मेटल आइटम जो दे रखा है, क्या दे रखा है, पीटी दे रखा है, प्लेटिनम दे रखा है। तो प्लेटिनम का फर्स्ट आपको देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, क्या होता है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। यस, यहाँ पर पीटी जो क्या है, पीटी टू प्लस के फॉर्म है। यस, पीटी और किस्म है, पीटी टू प्लस के फॉर्म है। तो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर मिलेगा हमें क्या मिलेगा, टू प्लस है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा कौन सा मिलेगा, आपको देखना कि पीटी जो है कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, उसकी बैलेंसेस क्या है। यस, उसकी बैलेंसी को कंसिडर करना है, क्या मिलेगी हमें। यस, क्या मिलेगा, ये जो एलिमेंट जो है सेवंथ ग्रुप का एलिमेंट है। यस, इसके जो बैलेंस एलिमेंट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, क्या होते हैं, डी सेवन, 4d7, 5s 2 होने चाहिए, लेकिन 2 प्लस के फॉर्म है तो 2 प्लस का मीनिंग है। सॉरी 18 है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स है, क्या हो गया, रिलीज होगी, रिलीज होने के बाद में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रीब्यूशन मिल रहा है, क्या मिला है, 2 यस 48 5s 0। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन अगर ड्रॉ करें पर ग्राउंड स्टेट में क्या मिलेगा, दिस इज 48 5s 0 एंड 5d 0 d में क्या इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन्स है, फिलअप कर दिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड है। सी एन कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड है, दिस इज जी एस। नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ एन आई सी एन ऑल फॉर माइनस टू, दैट मीन्स लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील लिगेंड है। इसमें एक्सेलरेटेड में क्या होगा, ई एस में ऑल लिगेंड्स ये जो है अनपेयर्ड जो है डीव के अंदर, इन लिगेंड्स की क्या होगी, पेयरिंग हो जाएगी। यस, सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या हो गए, पेयर्ड हो जाएंगे। हमें पूछा अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, और क्या होगा, ये डायटी बॉन्ड जो होता है क्या करता है, लिगेंड्स सी एन और हाइब्रिड स्टेट जो बनेगी यहाँ पे क्या बनेगी, डी
एस पी टू। यस, इसको इक्वल करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। हाइब्रिड स्टेट में क्या है, फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का हमारे कौन से, वन ई डी का, टू पी के, वन एस का, टू पी के, यस सी एन सी एन एंड दिस इज सी एन, और कम्बाइन होकर क्या बना रहा है, एस डी एस पी टू हाइब्रिडेशन, और जिनमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर फोर होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है इसके, फोर आर है, हाइब्रिडेशन कैसा होता है, डी एस पी टू होता है, ज्योमेट्री कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर। यस, अब हमें पूछा है कि इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसमें, तो इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं यहाँ से दिखेगा। इस टॉपिक लेकिन सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, जीरो हो रहे हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन जीरो हो रहे हैं, पेयर हो रहे हैं, दैट इज देयर फॉर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर क्या है, जीरो। तो नेचर इसकी कैसे होगी, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और वीपीएल कॉम्प्लेक्स, इट इज फॉर्म, सॉरी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, एंड डायमैग्नेटिज्म। यस, तो ये हमारा क्या है इसका कंसेप्ट टॉपिक है। यस, तो आज हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। बाकी क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी अच्छे हैं, क्या पढ़ेंगे, वार्नर थ्योरी, सी एफ टी, ऑक्टोहेलोटेटल कॉम्प्लेक्स, उसके लिए क्या बनेगी, उसके बारे में हम स्टडीज करेंगे। यस, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।